तो क्या हाल चाल है सबके भैया, आज मैं आपके लिए फिर से लेके आया हूँ फनी एक्शन सीन्स ऑफ भोजपुरी इंडस्ट्री, जिनके पीछे की कभी भी आप नहीं जान पाओगे मिस्ट्री। अच्छा, तो चलो भाई बिना किए देरी वीडियो करते हैं स्टार्ट और देखते हैं इनकी मूवीज में इनके एक्शन के पीछे की केमिस्ट्री। नहीं, ये गाड़ी स्टील से थोड़ी ना बनी है, ये तो बनी है रबड़ से जिसके अंदर हवा भरी हुई है। इन भाई साहब ने दो चक्कों वाली बुलेट से टक्कर मार के एक चार चक्कों वाली गाड़ी को हवा में उड़ा दिया। बाप रे, ये तो सिर्फ भोजपुरी हीरो ही हैं जो कि ऐसे खतरनाक स्टंट करते हैं, क्योंकि अगर कोई कॉमन मैन रियल लाइफ में ऐसा स्टंट करना चाहेगा तो वो अपनी हड्डियां भी तोड़वा लेगा और अपनी बाइक भी। सही बात है, हमरा के कमजोर समझे की कोशिश मत कर। मजबूत इस सीन में ये गुंडे लोग हीरोइन को रहे होते हैं छेड़, और आपको तो पता ही है कि ऐसी सिचुएशन में क्या होता है। क्या 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 क्या? ऐसे सिचुएशन में हीरोइन को बचाने के लिए हीरो लोग बन के आते हैं शेर। शेर भाई, मैं अपने लफ्ज वापस लेता हूँ, ये शेर नहीं कबूतर है, क्योंकि ऐसे हवा में उड़ के गुंडे की पीठ के ऊपर खड़े होकर एंट्री मारना किसी शेर के बस की बात तो है ही नहीं। ऐसा तो सिर्फ कोई कबूतर या कौवा ही कर सकता है। लाल कबूतर, लाल कबूतर। हीरो ने पहले इस गुंडे को मारा तो अठेले पिघल गया, लेकिन फिर एक गिरा हुआ बंदा ग्रेविटी को अपना नीचपना दिखा के रिवर्स पोजीशन में बैक जंप लगाने लगा, जिसको देख के हीरो को भी अपने नादान परिंदे की ताकत का एहसास होता है और एक लॉन्ग जंप लगा के गुंडे की पीठ के ऊपर लैंड करता है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। अपने बॉलीवुड मूवीज में हीरो को अपने हाथों के मुक्के से, पैरों की किक से और भिन्न भिन्न प्रकार के हथियारों से गुंडों को उठा उठा के हवा में उड़ा उड़ा के मारते हुए तो देखा होगा। वैसे ही भोजपुरी वाले हीरोज भी गुंडों को हवा में उड़ा उड़ा के मारते हैं, पर ना तो अपने हाथों पैरों से और ना ही हथियारों से, बल्कि संगीत के साजों से। इस 250 ग्राम के डमरू से मदाजी ने गुंडों को ऐसे धोया जैसे कोई धोबी कपड़े है धोता, और ये गुंडे डमरू लगने से हवा में ऐसे उड़ गए जैसे कि ये हो लाल दुपट्टा और ये डमरू हो हवा का झोंका। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये डमरू कौन सी आधुनिक टेक्नोलॉजी से बना हुआ है जो कि गुंडों को टारगेट कर करके मारा और गुंडों को मारने के बाद वापस हीरो के हाथ में ही आ जा रहा। पता नहीं, इस सीन में हीरो की हीरोइन का किसी और से होने वाला होता है निकाह, जिससे ये हीरो हो जाता है बड़ा ही निराश और खेत में जाके अपनी जान लेने का बनाता है प्लान। लेकिन इतने में हीरोइन भी भागती भागती इस हीरो के पीछे पीछे आ जाती है और इस हीरो के इस हथियार में अपने आप को मार के अपनी भी जान दे देती है। खत्म हो गया भैया मैटर। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब इस हथियार में नहीं है धार तो ये कैसे हो गए इनके पेट के आर पार, पता नहीं। खैर, सोचने वाली बात तो ये भी है कि इस बंदे को ये औजार मिला कहाँ से, ये औजार सच में किसी काम भी आता है कि डायरेक्टर ने सिर्फ इस सीन को बनाने के लिए स्पेशल इस हथियार की इन्वेंशन की है। यही तो सोचने वाली बात है भाई। मुझे गुस्सा इस बात पे आता है कि जो चीज सिंपल तरीके से की जा सकती है उसको भी ये लोग कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। अब जैसे कि इस सीन में देख लो, क्या बात है सर, एक्शन के नाम पे आपने हमारा क्या टाइम वेस्ट किया है। इन जनाब ने पहले अपने गले में पड़े हुए रुमाल को उतारा और फिर फालतू का एक्शन करने के बाद उस रुमाल को वापस अपने गर्दन पे बांध लिया। ऐसी बकलोली को देखने के बाद ये पुलिस वाला भी सोचेगा, तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। भाई ये एक्शन कौन से विज्ञान की गलत शक्तियों का इस्तेमाल करके बनाया गया है। जिस तरह ये भाई रोड पे बाइक को टेढ़ी करके गोल गोल घूमते जा रहे थे, इनका तो यहाँ पे बवंडर बन जाना चाहिए था, पर भाई ने सीधा बवंडर मोड़ से मस्त कलंदर जंप लगा के दुनिया अपने कदमों में कर ली। मजाक है क्या? और VFX के तो क्या ही कहने। आए, हाय हाय। ऐसे VFX या तो आपको टीवी सीरियल में या फिर भोजपुरी मूवीज में देखने को मिल सकते हैं। सही पकड़े हैं। वैसे तो हमारा दिमाग इस अद्भुत स्टंट को प्रोसेस नहीं कर पा रहा, पर इनके लिए ये कुछ नया नहीं है, क्योंकि ये लोग स्पीड, फोर्स और लॉ ऑफ ग्रेविटी को मानते भी नहीं और जानते भी नहीं। ऐसा कुछ नहीं होता।
सुपर हीरो लैंडिंग निंजा तोड़ी वाका हो वे निंजा तोड़ी पवन भैया ना बोली जा रही। माना कि भाई को सड़क के ऊपर भागने की जगह ना मिलने के कारण भाई को टेढ़े होकर ट्रक के ऊपर भागना पड़ा। पर भाई ग्रेविटी की इसमें क्या गलती थी कि आपको ऐसा करते समय ग्रेविटी को भुलाना पड़ा। अच्छा बात नहीं है। पर इतना ही नहीं, ये भाई सिर्फ निंजा हथौड़ी ही नहीं बल्कि कभी कभी क्रिश भी बन जाते हैं। देख रहे हो भाई ने ड्रेस भी क्रिश से मैचिंग करके पहनी हुई है। पर भाई साहब ने ये जो जंप मारी है ना, ये तो सिर्फ मजाक मजाक में मारी है, अभी तो इनकी इससे भी बड़ी जंप बाकी है। अपना देसी क्रिश इन गुंडों का पीछा कर रहा होता है और ये गुंडे लोग भागते भागते एक वेयर हाउस में चले जाते हैं जिसकी दीवारें कम से कम नहीं तो 30-40 फुट की तो होंगी। पर भाई ने बिना के देरी पता नहीं कैसी जंप मारी कि दीवार को लांघ के छत से कूद के सीधा कार पे आके मारी एंट्री। इस सीन में कुछ गुंडे लोग हीरोइन को छेड़ने लग जाते हैं और आपको तो पता ही है कि जब भी हीरोइन मुसीबत में होगी उसको बचाने के लिए हीरो आएगा ही। हाँ। हीरो आता है पर हीरोइन को बचाने के बजाय अपने ही गमछे से अपनी आंखों पे पट्टी बांधने लग जाता है। जी? पर आपको बता दूं कि ऐसा करने के लिए ना तो इनको किसी गुंडे ने कहा और ना ही इनकी किसी के साथ शर्त लगी हुई थी। अब आप सोचेंगे कि आखिरकार हीरो ने ऐसा किया क्यों? क्योंकि ये हीरो है, ये कूल लगने के लिए कुछ भी कर सकता है और गुंडों को मार सकता है। और ये लोग ठहरे गुंडे, हालात कुछ भी हो इनको बस हीरो से पिटना है। और कभी कभी तो ये लोग ऐसे कैरेक्टर में घुस जाते हैं कि हीरो इनको मारता भी नहीं, ये खुद ही मार खा लेते हैं। बताओ हीरोइन के दोनों हाथों पंखे पे हैं और लात तो इसने मारी भी नहीं, पर फिर भी ये गुंडा खुद ही उछल के अपनी पीठ पे पंखा खा रहा है। कहा था ना मैंने, कुछ गुंडे ऐसे होते हैं जो कि खुद ही अपने आप को पिटवाते हैं और मूवी के हीरो को इनको पीटने में कोई दिक्कत ना आए इसका भी ये पूरा पूरा ख्याल रखते हैं। हीरोइन ने इस पंखे को गुंडे के पेट के ऊपर मारा और पंखा वहीं पे छोड़ दिया, तो ग्रेविटी के नियमों के हिसाब से इस पंखे को यहाँ से गिर जाना चाहिए था। और वैसे भी इस गुंडे का पेट कोई फ्लैट सरफेस छोड़ना है कि जिसके ऊपर पंखा रखा और पंखा वहीं पे टिक गया। बात तो सही है, पर यह पंखा अब भी खड़ा रहता है। फिर यह हीरोइन इस दूसरे गुंडे का सिर इस पंखे में दे मारती है, लेकिन यह पंखा अभी भी निकलता क्योंकि इन भाई साहब ने इस पंखे को अपने पेट के ऊपर पकड़ के रखा हुआ है ताकि यह हीरोइन और गुंडों को इस पंखे में मार सके और अपना एक्शन कर सके। क्या बात है, ये क्या तरीका है दीदी किसी की जान बचाने का? अगर आप चाहती तो हीरो को धक्का मार के उसकी भी और अपनी जान को बचा सकती थी, पर नहीं, आप तो मुर्गी की तरह पंख फैला के आई और बंदूक की गोली को मीठी गोली समझ के खा गई। तो इस सीन में ये होता है कि हीरो हिंदुस्तान से पाकिस्तान गया होता है आतंकवादियों को पकड़ने के लिए और तमाम गुंडों से लड़ झगड़ के गोलीबाजी करके आखिर उनको पकड़ ही लेता है और उनको पाकिस्तान के बॉर्डर से हिंदुस्तान के बॉर्डर में कुछ ऐसे ट्रांसफर करता है। भाई ने ना तो कोई रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो किए और ना ही कोई प्रोसीजर। भाई ने अपने कानून से भी लंबे हाथों से भीम की शक्ति लगा के इन दोनों टेररिस्टों को बॉर्डर के उस पार तोप का गोला समझ के फेंक दिया। फेंको, फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। तो चलो भी आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में।